हाय गाइस, मेरा नंबर नाना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किसी भी रेडमी फोन का अगर आपको उसका जो है टेस्टिंग पॉइंट देखना है कि उसका टेस्टिंग पॉइंट उसके बोर्ड में किस जगह है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको किसी भी एमआई मोबाइल का एमआई अकाउंट अनलॉक करना है बिना किसी बॉक्स के, फिर तो आप ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये हमारी वेबसाइट है, और ये वेबसाइट जो मैंने बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है, अपने सब्सक्राइबर के लिए बनाई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप जो है फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी फाइल पर क्लिक करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो टूल आप देख रहे हैं दोस्तों, एमआई अकाउंट अनलॉक टूल, ये टूल मैं आपको देने जा रहा हूं। और ये टूल मैंने जो है 2-3 दिन से अपलोड इसलिए नहीं की क्योंकि इस टूल को मैं जो है टेस्ट कर रहा था, ये टूल जो है 100% गारंटी मैंने टेस्ट कर लिया है। अब इस टूल को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मान के चलिए कि अगर आप गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम से अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं कंप्यूटर पर और आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, किसी तरह का अगर इरर हो रहा है, या क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस फाइल के अंदर में जो है वायरस होता है, तो वायरस वाला फाइल हो सकता है कि डाउनलोड में आपको इरर दे और डाउनलोडिंग आपका ना हो पाए, तो उस तरह से जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि वहां से लिंक कॉपी किया हमने गूगल क्रोम से, और यहां पे मोजिला फायरफॉक्स में हम इस लिंक को जो है यहां पे पेस्ट करेंगे और मोजिला फायरफॉक्स से डाउनलोड करेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको गूगल क्रोम से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप मोजिला फायरफॉक्स का यूज करके इस लिंक को कॉपी करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, अगर आप मोबाइल पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मोबाइल के प्ले स्टोर में एक मेगा नाम का एप्लीकेशन होगा, उसे आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में, उसके बाद इस लिंक से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल पर भी, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो अपने एंटीवायरस को डिसेबल कर देंगे, डिसेबल करके ही इसे डाउनलोड करेंगे। और जब इस कंप्रेसर फाइल को जब आप इरेज करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि डाउनलोड हो चुका है ये फाइल। चलिए इस फाइल को हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये फाइल हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, इसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे उठा करके ले आते हैं, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि इस फाइल को जब हम ये कंप्रेसर फाइल है, इस फाइल को जब हम एक्स्ट्रा हियर करेंगे तो हम अपने एंटीवायरस को डिसेबल कर देंगे, ठीक है, पूरी तरह से। उसके बाद ही इस फाइल को हम इरेज करेंगे। उसके बाद इसके अंदर में 3-4 गो फोल्डर होगा, सबको आपको बारी बारी से इरेज करना होगा। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस फाइल के अंदर में काफ़ी वायरस है, और इसलिए ये फाइल जो है डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इस फाइल को इस तरह से किया है। तो आपको इस तरह से बार बार जो है कंप्रेसर फाइल को इरेज करना है, उसके बाद सबसे अंत में लास्ट में आपको ये फाइल यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे ये फाइल मिल चुका है हमें, और इस फाइल को हमने डेस्कटॉप पर ले आया है, और इस फाइल को चलिए हम यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये फाइल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा आप वेट कर लें, और आपको आगे दिखाते हैं कैसे आपको यहाँ से FRP अनलॉक करना है इस टूल के जरिए से आपको, और कैसे आपको MI मोबाइल का जो टेस्टिंग पॉइंट चेक करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक QD लोडर 9008 का, दूसरा है फास्ट बूट का, ठीक है। तो QD लोडर 9008 यहाँ पे सिलेक्ट करके आप जो है FRP अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको टेस्टिंग पॉइंट जो है आपको चेक करना होगा कि इस मोबाइल को, जिस मोबाइल को आपको अनलॉक करना है उसका टेस्टिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट करना होगा इस मॉडल के लिए, और दूसरे मॉडल को अगर आपको सेलेक्ट करना है दूसरे मॉडल के लिए भी यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट शो कर रहा है। यानी जिस मोबाइल को भी आपको अनलॉक करना है FRP, तो उसका टेस्टिंग पॉइंट पहले देख लेना है आपको, उसका टेस्टिंग पॉइंट बोर्ड में कहाँ है, ढक्कन आपको निकालना है मोबाइल का, और टेस्टिंग पॉइंट को आपको शॉर्ट करना है, आइडियल मोड 9008 आ जाएगा। जब QD लोडर 9008 जब आपके डिवाइस में जब शो करेगा, तो उसे सेलेक्ट करके आप जो है इसका जो है MI अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे नीचे में आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे फास्ट बूट मोड के जरिए से आप जो है MI अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये सारी मॉडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा मॉडल जो है फास्ट बूट मेथड से जो है इसका MI अकाउंट अनलॉक होगा, तो इसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके MI अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस टूल को मैंने यूज कर लिया है, 2-3 मॉडल को जो है हमने जो है टेस्ट कर लिया है, और आप भी जो है इस टूल को टेस्ट करके हमें कमेंट में बताएं कि ये टूल आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।